नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आज पूरे प्रदेश सहित रीवा में भी धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। कांग्रेसियों का कहना था 142 संसदों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। हमारी भी सरकार थी उस समय, विपक्ष में कई बड़े नेता हुआ करते थे। वो हमको हमारी गलतियों पर समझाइश दिया करते थे, हमको टोका करते थे। लोकतंत्र तभी चलता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों हो। क्या वर्तमान भाजपा सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में बातचीत करने से कतराते हैं, मन की बात करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब संसद में बहस करने का वक्त आता है तो खामोश हो जाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। सुनिए जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा। डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बड़े उदाहरण पेश हुए। कांग्रेस अगर चाहती तो उस समय कांग्रेस एक राज्य स्थापित कर सकती थी, पर कांग्रेस अच्छे सांसदों को राज्यसभा के द्वारा लाया करते थे। पंडित नेहरू लोहिया को जिता के लाया करते थे और ये कहा करते थे कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र का संतुलन खराब हो जाएगा। हम आज ये राष्ट्रव्यापी धरना इसी उद्देश्य को लेके हो रहा है कि जनता के बीच में हम ये बात रख रहे हैं और इसका आज ये सांकेतिक धरना है। कल अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।